भारत और कैनेडा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मोटू निवेदन आप्यु छे। वॉशिंग्टन डीसी में हडसन इंस्टीट्यूट में बात करता जयशंकर कहू कि कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो जे आरोप लगाया छे ते पार विहोणा छे। तेमणे एम पण कह्युं कि अमे अमेरिकन नेताए जैक सुलिवने अने एंटनी बिल्कन ने कह्युं कि कैनेडा उग्रवादी तत्वों ने आसरो आपे छे अने अमारा राजदूतो असुरक्षित छे। कैनेडा की राजनीति की मजबूरीओना कारणे तेमणे कैनेडा में संचालन की जग्या आपवामां आवी छे। जयशंकर कह्यु कि कैनेडियन वडाप्रधाने पहला खानगी रीते केटलाक आरोप लगाव्या अने अमे तेमने बने रीते खानगी अने जाहेर रीते प्रतिक्रिया आपी। तेओ जे आरोपो लगावी रह्या हता ते अमारी नीति ने अनुरूप न हता। अमे कैनेडा की धरती पर आतंकवादी गतिविधियों अंगे माहिती आपी परंतु कैनेडाए कोई विशेष माहिती भारत की साथे शेर न करी। ट्रूडोनुं कहेवुं छे कि निज्जर की हत्या में भारत की एजेंटोनो हाथ होवानो आरोप छे परंतु ट्रूडोनो आ दावो हवा साबित थई रह्यो छे कारण कि हजु सुधी कैनेडा तरफ थी भारत ने एवा कोई पुरावा सौंपवामां नथी आव्या। Canadian Prime Minister made some allegations initially privately and then publicly, and our response to him both in private and public were that what he was alleging was not consistent with our policy, and that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to look. वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की मुलाकाते छे ज्यां तेओ भाजपनी बे परिवर्तन यात्राओना समारोहना कार्यक्रम में उपस्थित रहेशे। आगामी दिवसों में छत्तीसगढ़ विधानसभा की चूंटणी जाहिर थवानी छे त्यारे गत त्रण महीना में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की आ त्रीजी मुलाकात छे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आयोजित भाजपनी परिवर्तन महासंकल्प रेली ने संबोधित करवाना छे। भाजपनी आ रेलियों में पहली रेली 12 सप्टेम्बरे दंतेवाड़ा थी शुरू थई हती जारे बीजी रेली 15 सप्टेम्बरे जशपुर थी निकली हती जे आजे बिलासपुर में पहुंची संपन्न थता पीएम मोदी परिवर्तन महासंकल्प रेली ने संबोधित करशे। वर्षना अंत सुधी राज्य में विधानसभा की चूंटणी ने लईने भाजप तैयारी करी रह्यो छे त्यारे भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों की बैठक योजाई होवानुं सूत्रों कही रह्या छे। वर्षना अंत सुधी में मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम राजस्थान में चूंटी है त्यारे तैयारी ने लईने चार राज्यों प्रभारी महासचिवों तैयारी ने प्रेजेंटेशन आप्यु। आ बैठक में संगठन महामंत्री बीआर संतोष सह संगठन महामंत्री वी सतीश पार्टी महासचिव अरुण सिंह तरुण चूक अने सुनील बंसल कैलाश विजयवर्गीनी अने राधा मोहनदास अग्रवाल शामिल थया छे। जे राज्यों में चूंटी है त्यां अत्यार सुधी थयेली पीएम मोदी की रेली और भाजपा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की समीक्षा करवामां आवी छे। तो सूत्रों मते राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा उम्मीदवारी पसंदगी माटे पहली ऑक्टोबरे भाजपनी केन्द्रीय चूंटणी पंचनी बैठक योजाशे। भाजपे छत्तीसगढ़ की 90 बैठकों में 21 बैठकों पर गत महीने ज उम्मीदवारों नाम जाहिर कर्या छे। मध्यप्रदेश विधानसभा चूंटणी ने लईने कांग्रेस सहित राजकीय पक्षों द्वारा प्रचार शुरू थई गयो छे त्यारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्यप्रदेश में पहली जनसभा संबोधित करशे। राहुल गांधी आज साजापुराना काला पीपल में काढ़वामां आवी रहेली पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में जोड़ाशे त्यारे बाद तेओ एक जनसभा ने पण संबोधित करशे। राहुल गांधी ने साथे पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं पण उपस्थित रहेशे। ની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે। દેશમાં યોજનારી સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા સરકાર આ વખતથી વન નેશન વન ઇલેક્શનના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધશે કે કેમ તે અંગે પણ જોરદાર ચર્ચા ચાલી રહી છે। તો સૂત્રોને ટાંકીને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ઘણી ચર્ચા વિચારણા બાદ કાયદા પંચ આ નિષ્કર્ષ પર આવી રહ્યું છે। 2024માં વન નેશન વન ઇલેક્શન લાગુ કરવું મુશ્કેલ હશે અથવા આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે આવતા વર્ષે જ 2024માં લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ એક સાથે નહીં થાય। એક સાથે ચૂંટણી અંગે કાયદા પંચનો રિપોર્ટ 2024ની ચૂંટણી પહેલા બહાર આવવાની આશા છે। કાયદા પંચ ભારતના વન નેશન વન ઇલેક્શનને વાસ્તવિકતા બનાવવા માટે બંધારણમાં સુધારા સૂચવશે। પંચનું કહેવું છે કે 2024ની ચૂંટણી પહેલા એક દેશ એક ચૂંટણી લાવી શકે નથી ત્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીના આયોજન અંગેના સૂચનો સમાવવા માટે રિપોર્ટ લાવવો પડશે। મહિલા અનામત બિલ હવે કાયદો બની ગયો છે જેમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમને મંજૂરી આપી દીધી છે।
आ विधेयक 20 सप्टेम्बरे लोकसभा और 21 सप्टेम्बरे राज्यसभा में पास थयु हतु। संसद बने गृहों में कोईपण बिल पसार थया बाद बिल ने कायदो बनावा माटे राष्ट्रपति की मंजूरी माटे मोकलवामां आवे छे। आ प्रक्रिया पूर्ण थई छे, हवे राष्ट्रपति तेने मंजूरी आपी छे, त्यारे हवे आ विधेयक कायदानु रूप लेशे। आ कायदो लागू थया बाद लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं ने 33% अनामत मळशे। पंजाबना खेडूतो एमएसपी और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन दरमियान थयेला केसों ने परत खेंचवानी मांग साथ 3 दिवसना रेल रोको आंदोलन पर छे। आज आंदोलनों बीजो दिवस है, त्यारे आ मामले उत्तर रेलवे जनरल मैनेजरे जणाव्युं कि पंजाब में खेडूतोना विरोध ने कारण ट्रेनों की अवरजवर ने भारी असर पड़ी छे, अनेक रेलवे थंभी गई छे। अत्यार सुधी में लगभग 90 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और 150 पेसेंजरो ट्रेनों रद्द करवामां आवी छे। दूर दराज से यात्रियों ने पुराना पहले रिजर्वेशन कर रखा है, उनकी यात्रा बाधित हो रही है, उनको परेशानियां हो रही है। ये ट्रेन संचालन रुकने के कारण जहां ट्रेन रुक गई है वहां पे हम लोग ने इमीडिएटली फिर ये तय किया कि क्योंकि इनका आंदोलन 72 घंटे का नोटिस दिया हुआ है और अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ इनके आंदोलन में कुछ कमी आएगी या ये आंदोलन विड्रॉ कर लेंगे, तो हम लोग ने इमीडिएटली वहाँ पे ट्रेन को टर्मिनेट किया और यात्रियों से अनुरोध करके घोषणा करके पहले तो उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई जो जिस स्टेशन में जैसे किया जा सकता है और फिर उनको बाय रोड उनको अपने अपने गंतव्य स्थान पर रवाना किया। आपना राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस द्वारा करवामां आवेला सुखपाल सिंह की धरपकड़ विषय प्रतिक्रिया आपता जणाव्यु कि ड्रग्स केस में पंजाब पुलिस सुखपाल सिंह खैरा की धरपकड़ करी छे। मारी पास अंगे विगतो नहीं, आ विषय मारे पंजाब पुलिस साथ बात करवी पड़े, परंतु भगवत मान सरकार राज्य में ड्रग्स दूषण डामवा माटे प्रतिबंध छे। केजरीवाल पंजाब सरकार द्वारा राजकीय बदलो लेवाना आरोप में खैरा की धरपकड़ पर भगवंत मान सरकार की आकरी टीका करी हती। पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई वाज अरेस्टेड एटसेट्रा, बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू जो नशा है, नशे को खत्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखरे एएनआई साथे बात करता कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा की धरपकड़ समय पर सवाल उठाया था। तेमणे कह्युं के समय घणो बधुं बोले छे अने खेडूतोना मुद्दाओथी लोकोनुं ध्यान भटकाववा माटे आवुं करवामां आव्युं छे। तेमणे कह्युं के सुखपाल सिंह खैरा की धरपकड़नो समय घणी बधी वातो बोले छे। एक तरफ पंजाबना खेडूतो रेलवे ट्रेक पर बैठा छे अने थोड़ा दिवस तो पहला पंजाबना गवर्नरे ₹50,000 करोड़ देवानी विगतो मांगी हती। तेनाथी ध्यान भटकाववा माटे पहला मनप्रीत बादल सामे केस नोंधवामां आव्यो। तेमणे कह्युं के खेडूतोना मुद्दा परथी ध्यान भटकाववा माटे सुखपाल खैरा की धरपकड़ करवामां आवी छे। आ दर्शावे छे के सरकार प्रमाणिक इरादा साथे काम करी रही नथी। एक तरफ पंजाब के किसान रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे कुछ दिन पहले पंजाब के गवर्नर साहब ने 50,000 करोड़ के जो कर्जा भगवंत मान जी की सरकार ने लिया है उसके बारे में जानकारी की, कहाँ है वो पैसा, कहाँ खर्च हुआ है, उसकी जानकारी मांगी, उनसे ध्यान भटकाने के लिए पहले मनप्रीत बादल के ऊपर पर्चा दर्ज किया गया। अब किसानों के मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया गया। इससे बहुत कुछ बातें साबित होती हैं कि सरकार किसी एक साफ नीयत से काम नहीं कर रही। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रशिया साथे चाली रहेला युद्ध वच्चे भारत आवानी इच्छा व्यक्त करी छे। यूक्रेन तरफ थी कहवू छे कि तेवो आ वर्षना अंते भारत नी यात्रा करी सके छे अने ते माटे भारतना टॉप लेवल साथे खास रस दाखव्यो छे। जो कि ज़ेलेंस्की नी भारत यात्रा अंगेनी बातचीत शुरुआतना तबक्कामां छे, जो आ यात्रा सफल थशे तो भारत रशियाना संबंधों ने असर पड़वानी संभावना छे। उपरांत यूक्रेन रशिया वच्चे गत वर्षे शुरू थयेल युद्ध बाद यूक्रेन राष्ट्रपति की भारत मुलाकात प्रथम यात्रा हशे।
भारत साथ तंगदिली भरिया संबंधों वच्चे कैनेडा वडाप्रधान जस्टिस ट्रूडो घेराता जई रह्या छे। एक तरफ आतंकी निज्जर की हत्या में भारत ने संडोवणी आरोप मुक्या बाद पुरावा आपवामां निष्फळ रह्या छे, त्यां बीजी बाजू एक नाजी ने कैनेडियन संसद में बोलावी तेनुं सन्मान कर्या बाद ते माफी मांगवा मजबूर बन्या हता। आ दरमियान तेमना पर एक नवो आरोप लाग्यो छे कि तेओ ज्यारे G20 समिट में भाग लेवा भारत आव्या हता त्यारे तेमना विमान में कोकेन भरेलू हतुं। सुदान में भारत पूर्व राजदूत दीपक वोहराए कहू कि इन्वेस्टिगेटिव ड्रग्स ने विमान में कोकेन मळ्युं हतुं। वोहराए सवाल उठाव्यो कि ट्रूडो बे दिवस सुधी होटल रूम की बहार केम न आव्या, ज्यारे तेमनुं विमान बगड़ी गयुं हतुं। तेओ राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित डिनर में पण नहोता गया। विश्वनीय सूत्रोए दावो कर्यो हतो कि ट्रूडो बेभान अवस्था में पड़ी गया हता। आ दरमियान भारतीय मीडिया में अहेवालों आवता ज कैनेडियन वडाप्रधान कार्यालय आ दावा ने फगावता कहू कि भारत निवृत्त राजद्वारी द्वारा लगावामां आवेला आरोपों आधार विहोणा अने खोटा छे। राजस्थान विधानसभा चूंटणी आड़े गणतरीना दिवसों हवे बाकी छे, त्यारे भाजप ओडीबी एजे द्वारा राजस्थान में सत्ता मेळववा 7 झोन बनावीने चूंटणीनी तैयारीओ आरंभी देवाई छे। हरियाणाना धारासभ्य आसिम गोयल ने बीकानेर झोनना प्रभारी नियुक्त कराया छे। आ झोन में 5 जिल्लाओ आवे छे, जेमां पंजाब भाजपना उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बीकानेर शहरनी 2 विधानसभा बैठकोनी जवाबदारी मळी छे। हरियाणाना धारासभ्य सत्यप्रकाश जरवाता ने पण बीकानेर ग्रामीणनो चार्ज सौंपवामां आव्यो छे। भाजपना राष्ट्रीय सचिव नरेन्द्र सिंह ने श्रीगंगानगर में आती 6 विधानसभा बैठकों की जवाबदारी सौंपवामां आवी छे, तो हनुमानगढ़नी 5 विधानसभा बैठकों की जवाबदारी हरियाणाना धारासभ्य महिपाल ने मळी छे। चूरूनी 6 विधानसभा बैठकों पर पार्टी की कमान संदीप जोशी ने सौंपवामां आवी छे। जयपुर झोन माटे 8 जिल्ला छे अने हिमाचल प्रदेश राज्य महासचिव सिद्धार्थ ने पण अहीना प्रभारी नियुक्त करवामां आव्या छे। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह अने उत्तर प्रदेशना सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने 7 विधानसभाओनी देखरेख माटे जयपुर शहरना प्रभारी नियुक्त कराया छे, तो जयपुर ग्रामीण उत्तर में आती विधानसभा बैठकों माटे जम्मू अने काश्मीरना सांसद जुगल किशोर ने प्रभारी बनावाया छे। जयपुर ग्रामीण दक्षिण में आती 6 विधानसभा बैठकों प्रभारी तरीके जम्मू काश्मीर भूतपूर्व डेप्यूटी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने नियुक्त कराया छे। शिवसेना सांसद संजय राउते महाराष्ट्र सरकार पर प्रहार कर्यो हतो। तेमणे कह्युं कि महाराष्ट्र में लोकशाही की हत्या थई रही छे, राष्ट्रीय मंच पर लोकशाही ने मजबूत करवा ओम बिरला जीना नेतृत्व में घाना जई रहेला प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर छे। लोकशाही की स्थिति शू छे, अहीं लोकशाही की हत्या करवामां आवी छे। एक वर्षथी तेओ संपूर्णपणे बंधारण कायदा और सुप्रीम कोर्ट की विरुद्ध सरकार चलावी रह्या छे। हमारे महाराष्ट्र में लोकशाही की क्या दशा आप देख लीजिए, संविधान लोकशाही मर्डर कर दिया ये लोगों ने, और वहां जाकर प्रवचन छोड़ेंगे घाना में। यहां तारीख पे तारीख एक साल से पूरी तरह से संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जाकर ये लोग सरकार चला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोकतंत्र के प्रवचन गाकर छोड़ेंगे। मेरी जानकारी है जो डेलीगेशन जा रहा था घाना में उसमें हमारे अध्यक्ष जी का नाम नहीं था, लेकिन डिले करना है, यहां डिले करने के लिए और एक कारण चाहिए। हाल में तमिल एक्टर विशाले मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड पर लांच लेवानो आरोप लगाव्यो हतो, जेनाथी विवाद नो वनटोल सर्जायो छे। एक्टरे दावो कर्यो छे कि तेमनी फिल्म मार्क एंटनी ना हिंदी वर्जन ना सेंसर सर्टिफिकेट माटे फिल्म बोर्ड द्वारा 6.5 लाख नी लांच मांगवामां आवी हती। आ मामले माहिती अने प्रसारण विभाग द्वारा कार्यवाही करवामां आवी छे, तो माहिती अने प्रसारण विभागे एक्स पर लख्यू छे कि एक्टर विशाल द्वारा उठावेल मुद्दो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण छे। आ माटे प्रसारण विभागे एक वरिष्ठ अधिकारी ने तपास माटे मुंबई मोकल्यो छे अने लख्यू छे कि तपास में सहयोग आपवामां आवे। उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनावनार अने देशना विकास एंजीन तरीके राज्य की ओळख स्थापित करनार योगी सरकारे हवे औद्योगिक विकास ने नवी गति आपवा माटे एक महत्वपूर्ण प्रयास कर्यो छे। सीएम योगी ना इरादा मुजब उत्तर प्रदेश ना ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट हेठ खाली पड़ेला प्लॉट ना वेचाण माटे नवी स्कीम जारी करवामां आवी छे।
यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटीए निवेश मित्र पोर्टल द्वारा सेक्टर 28 में 5 केटेगरी प्लॉट माटे अरजीओ आमंत्रित करी छे। आ प्रोजेक्ट की अरजी सहित बैंकिंग कामगिरी करवा माटे हवे बैंक ऑफ बड़ोड़ा साथे हाथ मिलाव्या छे। ते बैंकिंग ने पार्टनर तरीके प्रोजेक्ट में हिस्सो भजवशे। औद्योगिक प्लॉट की हराजी होय के ड्रॉ प्रक्रिया निर्धारण होय के आ बधाने पार पाड़वा माटे ओछा में ओछी मानवीय दखलगिरी नो अवकाश ओछो छे। संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भरता हासिल करने आईएएफ टूंक समय में वधु एक 156 प्रचंड लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर नो ऑर्डर आपसे। तो भारतीय सशस्त्र दलों द्वारा चीन और पाकिस्तानी सरहदों पर प्रचंड लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर तैनात करवामां आवशे। छेल्ला 15 महीना में आमांथी 15 हेलीकॉप्टर पहले थी ज काफला में शामिल कराया छे। ताजेतर में आईएएफ चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी लगभग 100 थी वधु एलसीए मार्क 1A खरीदवानी पण जाहेरात करी हती। संरक्षण क्षेत्र स्वदेशीकरण ने वेग आपवा माटे बने प्रोजेक्ट पाछळ कुल रूपया 1.5 लाख करोड़ रोकाण करायु छे। स्विट्जरलैंड जिनीवा में सिंधी फाउंडेशन द्वारा पाकिस्तान सिंह प्रांत में सिंधीओ की दुर्दशा मामले एक दिवसीय पोस्टर जुबेश आयोजन कर अभियान यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 54 सत्र दरमियान योजना। सिंधना संसाधनों शोषण माटे पाकिस्तान और चीनी टीका करता सूत्रोच्चार उपरांत पोस्टरों में केटलाक सिंधी राजकीय कार्यकरों पत्रकारों और अन्य बौद्धिकों चित्रों दर्शाया था, जमन पाकिस्तान की गुप्त एजेंसियों द्वारा बड़जबरी थी अपहरण त्रास और निडरता की हत्या करवामां आवी। सिंधी फाउंडेशन एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर मनवर लंधारी कहूं कि संदेश खूब ज स्पष्ट छे, पाकिस्तान विघ्न छे और खरेखर पृथ्वी पर अभिशाप छे, कोई सुखी नहीं। सिंह बलूचिस्तान के पख्तूनख्वा में रहता लोग सराई थी हजारा चित्राल गिलगिट आ बधा दलित लोग आ देश में मुक्ति मेलवा इच्छे छे। Under the supervision of the United Nations, not the what the data Pakistani has it, especially the ISI, they have all in the their computer of the data. We don't believe that one. So under the supervise of the United Nations, a referendum to get our independence. This is our very clear message. रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी गुरुवार रात्रे लालबाग का राजधानी प्रतिष्ठित शोभायात्रा की मुलाकात ली थी। તેમણે તેમની પત્ની નીતા અંબાણી, પુત્ર અનંત અંબાણી, પુત્ર ઈશા અંબાણી અને અનંતની નવવધુ રાધિકા મર્ચન્ટ સાથે મુંબઈના ભાઈખલા વિસ્તારમાં મૂર્તિ વિસર્જન પહેલા ગણપતિ બાપાની પ્રાર્થના કરી હતી। જો કે અંબાણી પરિવાર અગાઉ મુંબઈમાં સિદ્ધિવિનાયક મંદિરની મુલાકાતે ગયો હતો અને તે ઘણીવાર ભારતભરના લોકપ્રિય મંદિરોમાં પ્રાર્થના અને પૂજા કરતો જોવા મળે છે। ગઈકાલે ઉચ્ચ સુરક્ષા વચ્ચે પરિવારે લાલબાગચા રાજાના આશીર્વાદ લીધા હતા।